बस बस मैडम यहाँ पे रविना जी साइड के पैर से कैसे फिर से मोबाइल डाला तू आएगी आएगी इधर 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 बगैर बहुत चार घंटे से खड़े मैडम चार घंटे से अरे रोल करने के लिए अंगूठा नहीं चल रहा है क्या होता है उमले उमले थैंक यू ये जरा चेक ये कौन मचा हुआ है रे सही जगह सेकंड भी है सर कैसे हो सर बढ़िया सेंटर सर यहाँ पे भी देखिए सर कार्तिक भाई कार्तिक भाई सिंह अलग विजिलेंस है साइड विजिलेंस सर सेकंड मार्क सर 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 सेकंड मार्क सेकंड मार्क सर 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 सेकंड मार्क सर इधर कैसे सर लेफ्ट में यहाँ पे ठीक है आपको तो मैं कॉल ही नहीं करता रहता है थैंक यू सर अविनाश
सेकंड मैप यहाँ पे क्या बात है, इंडिया जीत गया। मैम यहाँ पे थैंक यू। ठीक है सर, सेकंड मार्क सर, सेकंड मार्क, सेकंड मार्क। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे इधर इधर सर, लास्ट 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 मार्क, लास्ट मार्क, लास्ट मार्क, थर्ड मार्क। हाउ आर यू डूइंग? कम 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 टेक अ टाइम। Thank you. ये बहुत दिन बाद देख रहा है। हाँ बोल। ये आराम से हिल रहा है। मैम स्ट्रेट स्ट्रेट मैम। थोड़ा हाथ पीछे ले। बस। बस बस बस। मैम यहाँ पे जमीन साइड, बोल बोल मैम, बोल
थर्ड है थैंक यू यहाँ पे मैम यहाँ पे राजा भाई करते राजा भाई मैडम सेकंड मार्क थैंक यू किया क्या चलो एक बार और एक बार थैंक यू मैम and of course this is 2023 I'm very excited I just came fly around from Kolkata today morning in fact for this award show and it's a pretty good one and specially made for OTT platform and I think I'm nominated also for my Jubilee and yeah let's hope for the best but yeah I'm quite excited because in this particular platform we can see not only from Mumbai a lot of actors coming from south a lot of actors coming from east from different regions so it's like a pan india concept which I completely love it and like it and I think there's a wonderful opportunity for the talents for the newcomers also to for this particular platform to expose themselves in terms of technicians actors so all my best wishes thank you so much यहाँ पे
राइट। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे OTT की तरफ से इनवाइट आया और मैं यहाँ पे आई हूँ। और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बड़ी बड़ी जगह पे जाते हो तो कुछ करने का ना एक जज्बा होता है अंदर ना। तो बस मैं भी एक दिन चाहती हूँ कि मुझे भी एक बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिले, बट उसी के लिए मैं थोड़ी मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर मे बी। तो लेट्स सी, आ रही है खबरें तो अच्छा है। मैंने हाँ मैंने देखी है, मैं काफ़ी देखती हूँ जी। मुझे ना थोड़ा डिफरेंट कंटेंट पसंद है, जिसमें लव स्टोरी हो, एक्शन हो, थ्रिलर हो, और थोड़ा हॉरर भी मुझे पसंद है। देखिए मैं ऐश्वर्या को और मनोवर को और मनारा को सपोर्ट कर रही हूँ। ये तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। नहीं सच में मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस जो चल रहा है वो बिग बॉस नहीं चल रहा है, टीवी सीरियल चल रहा है। मतलब एक बॉयफ्रेंड था, उसका दूसरा बॉयफ्रेंड आया है, दोनों में मतलब खिचड़ी पिचड़ी। तो इसलिए ठीक है। मैडम इकड़े, मैडम इतने इतने मोबाइल I think it's for a country like ours that's been making movies for so many years, understanding how to tell stories for over 10 hours and 12 hours is pretty new. And I'm just happy that it's so democratic. It doesn't matter which language you tell it in, it doesn't matter where you come from, it's one platform that everyone watches it. I think it's pretty exciting time to tell stories here. You'll see a few, ma'am. I will. It's still work in progress, but I'll have something coming soon. Thank you, ma'am. Thank you very much. I'm asking from you. मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो तो अब जाके ही पता चलेगा ना भाई। पहली बार कर रहा है ये। भाई OTT ने एक दरवाज़ा खोला है हमारे लिए, एक्टर्स के लिए, फिल्म मेकर्स के लिए। कहाँ कौन सा OTT प्लेटफॉर्म ने एक दरवाज़ा खोला है हमारे एक्टर्स के लिए, हमारे फिल्म मेकर्स के लिए, कि वो अपना जो कॉमर्स पे फिल्म्स डिपेंडेंट नहीं है उनको बना पाए, ठीक है। बट एट द सेम टाइम हमारा बॉक्स ऑफिस चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बॉक्स ऑफिस नहीं चला तो सिनेमा का कल्चर जो है, जो थिएटर्स पे डिपेंडेंट है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक बैलेंस लाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
सबसे बेस्ट आइडियल सिचुएशन तो ये होगी कि अच्छी पिक्चरें पैसा कमाए बस, और क्या कुछ भाई, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ यार, मैं एक्टर हूँ, तू मुझसे बिजनेस क्वेश्चंस पूछ रहा है यार, मेरे को पता नहीं, मैं मेरे को एक्टिंग करनी आती है, मैं उतना जानता हूँ लोगों का दिल कैसे जीतना है वो सीख रहा हूँ, अब रेट कैसे कम करना है वो मुझे नहीं आता भाई। इंडस्ट्री के लोग सोचे, मैं इंडस्ट्री का थोड़ी हूँ, मैं तो अलग हूँ यार। आ रहा है ना, देखोगे कि नहीं, पक्का प्रॉमिस। भाई यार, हमारे जेनरेशन के लिए जो तो भाई हमारा जो भोपाल कांड हुआ था वो हमारे जेनरेशन के मेमोरी में रीइग्नाइट करना बहुत ज़रूरी है, तो इसकी वजह से ये सीरीज़ जो है एक कल्चरल इम्पोर्टेंस लाती है हमारे हमारे सोसाइटी में, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी हाँ, अरे तू उस फिर लेना है यार। वेल, मुझको लगता है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, मतलब OTT हैज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, और जब तक इसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है बेस्ट राइटिंग, बेस्ट डायरेक्शन, सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज आर ऑन द OTT प्लेटफॉर्म, सो आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई एम सो हैप्पी, आई जस्ट वॉन एन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कम फॉर दिस वन टुडे। Thank you so much. Well, nothing that I can talk about, but there are a few very interesting scripts that I'm finalizing. So hopefully, yes, we should be doing something. Thank you. Thank you so much. पे बनी हुई साड़ी है। मैं अगले महीने इसका जवाब आपको दूंगी, उससे पहले आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलूंगी। Thank you. Thanks. Opportunity. हम सबके लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है OTT एंड गेम चेंजर है एक्टर्स के लिए, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू, थैंक यू। मैं यहाँ थी, आप लोग, मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट थी तो मैं इस तरफ थी, एंड जब अपना जो होमवर्क कर रही थी और जब मैं शूट कर रही तब पता चल रहा था कि मीडिया में काम करना, जर्नलिस्ट का एक जो जॉब है वो कितना डिफ़िकल्ट है। सो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड पे न्यूज़ बदलती है, आपको कहीं ना कहीं से धमाकेदार यू नो हेडलाइंस लानी पड़ती है, so it's a very difficult job, so literally hats off to the entire journalism media team, everybody. I mean जब मैं कर रही थी तब मुझे लग रहा था कैसे करते आओ आप लोग, कैसे करते हो, it's a tough job, but I had fun. चिकना जी बिग बॉस में गई है, तो क्या कहना चाहोगे, कैसा क्या
एक्चुअली मैंने नहीं देखा है, पर जब आप सोशल मीडिया में जाते हो तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करते हो तो दिखता है जहाँ उनका एक इंटरव्यू हुआ था, आई थिंक विद द प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, एंड उसमें से मैंने थोड़े से क्लिपिंग्स देखे थे और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जवाब दिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी इज़ नाइस एंड कॉन्फिडेंट. एक्चुअली मैंने देखा नहीं तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी कि अंकिता कैसा खेल रही है, बट आई होप अच्छा ही खेल रही है बिकॉज शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर. थैंक यू. एनिमल नाम की पिक्चर आ रही है रणबीर कपूर के साथ, तो उसके साथ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एंड कुछ अलग है वहाँ पे. जैसे मैं मेरा पेशाना है वैसे किरदार भी वैसा ही कुछ है उसमें, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. ओह वाओ. Yes, I'll allow her to finish. Yes. मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं आज यहीं पर आई हूँ और देखना है यू नो हु ऑल आर द विनर्स इस साल. और जैसा आपने कहा यस इट्स अ ग्रेट थिंग विच हैज़ हैपन बिकॉज यू नो एवर सिंस दिस होल ओटीटी प्लेटफॉर्म स्टार्टेड कम अलाइव देयर आर सो मेनी मोर टैलेंटेड पीपल हु आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज और एंड वी आर सीइंग यू नो वी आर विटनेसिंग सो मेनी ग्रेट actors, writers, directors, you know, cinematographers, you name it. तो ये बहुत अच्छी बात है and I am very happy to see such lovely, talented people. जी मेरा साउथ फिल्म आने वाला है और मेरा रोल I don't think I can mention it yet because मेरा poster अभी तक reveal नहीं हुआ. But it's something जो मैं पहली बार कर रही हूँ और थोड़ा मतलब मुश्किल था and yeah, I'm just excited for that one actually. Yeah, so वो आने वाला है अभी अगले महीने. Yes, thank you, thank you. And I think it should be a fun event. Really, we've been making some great content for OTT, so I'm really looking forward to this evening. किसी भी कैटेगरी में नहीं, अफसोस. But I'm here to support my fraternity, and I'm also here to give away an award and just to be part of this celebration. Yes, I have some interesting projects for OTT and for theaters, and I'm really looking forward to it. I have a couple of films, Noorani Chehra, jo hum kafi time se sun rahe hain with Nawaz and Nupur. So I'm really looking forward to that one. I have another web show that Karishma Kohli has directed that I'm very excited for. That is for OTT, and a couple of other things. And one I'm just shooting, and I'm going to join my shoot next week, and that's releasing early next year. So super excited for all of it. Thank you.
ऐसे क्या शक्ल देख रहे थे? वेरी एक्साइटेड, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये OTT अवार्ड्स अभी आ गए हैं, क्योंकि OTT तो ऑलरेडी कितने साल हो गए, 5 साल हो गए नेटफ्लिक्स से, सेक्रेट गेम से हम लोगों ने तो शुरुआत किया था ना OTT का. सो इट्स एक्साइटिंग, इट्स वेरी गुड, थैंक यू. रोहित गांधी एंड राहुल खन्ना. Yeah. I think generally it's important to have platforms where, see now since we have OTT, we have more writers working, we have more technicians working, we have more actors working. There's work for a lot more people and there's space for a lot more good scripts. ये मैंने सेक्रेट गेम से पहले भी बोला था और सब लोग सोच रहे थे कि यार ये पागल है. मेरा लॉन्च सेक्रेट गेम्स के साथ हो गया था ना, एंड एवरीवन वाज थिंकिंग इट्स नॉट अ कन्वेंशनल लॉन्च, यू शुड डू अ मूवी. OTT कैन बी एज बिग इफ द स्क्रिप्ट इज गुड, इफ द एक्टर्स आर गुड, इफ इट्स डन वेल. सो आई एम ग्लैड वी हैव दिस नाउ, थैंक यू सो मच. Yes, Ranniti, my next series is coming on Jio Cinema. I've done action in that for the first time, quite big. And I've done a Telugu movie that's coming next month. Then I have another song releasing since I'm singing now as well. Bahut kuch. Ma'am, just one. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. You want to call Simran here? She just asked me a question. Yeah. Call Simran here. One minute. Simran, come here. Come here. Come and ask me a question here in front of the media. Thank you very much to our friends from the media. We are here with our living legend, Mr. Rizwan Sardar. Please, Mona. Thank you. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है एज अ व्यूअर, एज एन एक्टर. आई थिंक इट्स द बेस्ट फेस फॉर एवरीबडी, फॉर प्रोड्यूसर्स, मेकर्स, OTT प्लेटफॉर्म. और मुझे खुशी इस बात की है कि यू नो लोग भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं और इंडिया में बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दीज टाइम्स, यू नो. अभी काला पानी आया है, मेड इन हेवन आया, कफस आया. आई हैव 3 releases दिस ईयर, सो आई हैव 6 more releases नेक्स्ट ईयर. तो बस बहुत अच्छा काम हो रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट. थैंक यू. I'm so sorry but मैंने देखा ही नहीं है.
I have not seen Big Boss this year. I have just been shooting. But जो आप कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ. Yeah, thank you. हाँ जी वेल HT कर रहा है OTT अवार्ड्स तो बहुत ही बड़ा ही होगा एंड ऑफ कोर्स OTT इज़ द फ्लेवर ऑफ द सीज़न. मेरी अभी तक इतनी बड़ी डेब्यू नहीं हुई है OTT पर. बहुत जल्दी मैं आने वाला हूँ शायद नेक्स्ट ईयर. आए कैसे हो यहाँ आके बहुत अवार्ड्स भी लेके जाऊँगा मैं. और यू आर वेरी गुड इन दैट शो. हाँ बहुत अच्छा. या आई लव्ड इट सो टैलेंटेड. थैंक यू करेक्ट. ऑफकोर्स इनफैक्ट मैं तो समझता हूँ ये एंटरटेनमेंट का गोल्डन पीरियड है बिकॉज आज इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब OTT प्लेटफॉर्म्स. हमारे टाइम तो सिर्फ रेलवे प्लेटफॉर्म होता था. अब तो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं एंड ऑफकोर्स आप अपनी कला पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं. सो आई थिंक इट्स बिकम रियली गुड for the entertainment industry. Itna talent ubhar ke aa raha hai. Look at this boy, he was so good in that show. So yeah, I'm happy to see all these young guys doing so well. Aur hum budde log ko bhi chance mil raha hai. To meri abhi ek Tamil film release hui thi last year in fact Diwali pe. Uska naam tha Sardar. That did very very well. To aap zarur dekhna usko. Aur ab aa rahi hai Houseful 5. ये लोग तो उधर शूट कर रहे हैं. कर लेने थे भाई. चलो OTT अवार्ड्स और अच्छा वो लोग करे कर ले भाई. इट्स ओके. कर लेने लेडीज फर्स्ट ऑलवेज. हाँ जी वापिस सवाल पूछो. वापिस शुरू करते हैं. जी हाँ ऑफकोर्स OTT के आने से एक नया एवेन्यू खुल गया है. एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है एक्टर्स को ही नहीं टेक्नीशियंस को डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लेखकों को. क्योंकि OTT पे एक्चुअली सब जगह कंटेंट किंग होता है लेकिन OTT पे स्पेशली यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. सो हाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं एंड आई थिंक अवार्ड फंक्शन लाइक दिस विल ओनली बोल्स्टर द प्रेजेंस. OTT का है बाद में बताऊँगा. वर्क इन प्रोग्रेस. आई एम राइटिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड डेवलपिंग एक्चुअली अ शो. होपफुली 2024 बाय मार्च अप्रैल विल बी ऑन द फ्लोर्स. लेकिन आई कैंट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. बिग बॉस के ऑफर्स पहले सीजन से आ रहे हैं लेकिन वो एक ऐसा शो है जहाँ मैं अपने आप को नहीं देखता हूँ. बहुत ही मेंटली चैलेंजिंग शो है और अपने घर बार को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के मुझे नहीं लगता मैं इतने दिन 3-4 महीने रह पाऊँगा. मुझे तो नहीं लगा था कि मैं खतरों के खिलाड़ी भी कर पाऊँगा. सो यू नेवर से नेवर बट खतरों के खिलाड़ी वॉज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस.
वंडरफुल. सबका यही मानना था कि अगर मैं गलत टाइम पे इंजर नहीं हुआ होता तो फाइनल्स में. थैंक यू सो मच. मैंने पहना है अरोका डिज़ाइन से ये आउटफिट और मुझे कुछ ऐसे फंकी कलरफुल करना था तो मैंने ऑरेंज चूज़ किया था. वाई नॉट. जी मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया इसलिए हिंदुस्तान टाइम्स को बहुत बहुत थैंक यू. और ये OTT अवार्ड्स जो है ये इतने वेरीड अमाउंट ऑफ आर्टिस्ट को यू नो सॉरी फिर से ले लूँ ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई. ये OTT अवार्ड्स जो है वो इतने आर्टिस्ट को रिकग्निशन देते हैं और इतने डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट जो OTT में काम कर रहे हैं उनको रिकग्निशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ लवली अपॉर्चुनिटी. जी अभी तो स्कंदा जो अभी थिएटर में रिलीज़ हुई वो अभी आई थिंक 2 नवंबर को OTT पे आ रही है. बहुत एक्साइटेड हूँ. थैंक यू सो मच. Hello. Hi. बिल्कुल. आई थिंक OTT हैज़ बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर ऑल एक्टर्स क्रिएटर्स डायरेक्टर्स राइटर्स. तो इट्स वन डे टू सेलिब्रेट देम. आई थिंक देयर इज़ नो अदर वे देयर इज़ नो बेटर वे टू सेलिब्रेट देम बाय लाइक यू नो अवॉर्डिंग देम ऑनरिंग देम. एंड आई एम हियर. आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड. मैंने अभी कोटा फैक्ट्री season 3 रैप किया है. कल ही मैं वापस कोटा से आई हूँ तो वो रैप कर लिया. और अब नेक्स्ट वीक से मैं गर्ल्स हॉस्टल के 4th season का शूट स्टार्ट करूँगी. तो आई थिंक ये दो प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली आ रहे हैं. और हाफ़सी आया था तो उसका ही अभी मैं तो काफ़ी इन्जॉय करी थी. उसका जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा था उसकी जो सक्सेस थी तो वो बस. थैंक यू. फर्स्टली थैंक यू सो मच. पूरा CA बनने के लिए मुझे लगता है 2-3 season तो डेफिनेटली लगेंगे. होपफुली 2nd season बनेगा. सेकेंड सीज़न बनेगा कि नहीं वो डिपेंड करता था कि पहला सीज़न कितना अच्छा कर रहा है. तो अच्छा रिस्पॉन्स तो काफ़ी मिला है तो देखते हैं. अभी होपफुली 2nd season बने और उसमें आर्ची की स्टोरी और बढ़ेगी और उसके स्ट्रगल्स दिखेंगे तो देखते हैं. करेक्ट. एब्सोल्युटली. पहले नहीं इतना दिखाया जाता था. आई थिंक एजुकेशन के टॉपिक को बिल्कुल भी टच नहीं किया जाता था. अगर करते भी थे तो वो बस एक पीछे एक बैक स्टोरी चलती थी कोई स्टोरी और होती थी. बट जस्ट अबाउट एजुकेशन जस्ट अबाउट कोर्सेज इन जनरल शोज़ बन रहे हैं. अब फिल्में भी बन रही हैं. आई थिंक इट्स और मुझे लगता है पीपल रेसोनेट भी ज़्यादा कर पाते हैं इन चीज़ों से क्योंकि ज़्यादातर लोग यू नो इन चीज़ों से गुजरे हैं. सब ने कोर्सेज किए हैं. कोई इंजीनियरिंग कर रहा है कोई CA कर रहा है मेडिकल कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें आई थिंक लोग ऑल रिलेट कर पा रहे हैं. उनके लिए ऐसा लग रहा है कि यू नो शोज़ और फिल्म्स के द्वारा पीपल आर टॉकिंग अबाउट देम टॉकिंग अबाउट देयर स्टोरी. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग दैट वी हैव कम अप विद. आई थिंक TVF ने इसकी शुरुआत की थी और अब धीरे धीरे सब लोग पिकअप कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी बात है ये. और बनने चाहिए और कोर्सेज़
हमें कवर करने चाहिए. और मैं मुझे लगता है मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है शोज़ के द्वारा. मैंने इंजीनियरिंग कर ली है, डेंटल कर लिया है, मेडिकल कर लिया है, और अब मैंने CA भी कर लिया है. तो मुझे तो काफ़ी, मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में. तो इनके थ्रू थोड़ा थोड़ा मुझे इन सारे कोर्सेज के बारे में पता चल गया. सीज़न 2 में हमने इस चीज़ पे टच डेफिनेटली इस बारे में बात की थी. सीज़न 3 में भी हमने इस बारे में कोशिश की है बात करने की. यस, बट हम एक्चुअली आई थिंक कोटा फैक्ट्री इन जनरल इज़ अबाउट, इट्स नॉट मोर अबाउट द कोचिंग, इट्स अबाउट, मतलब हम वैभव के बच्चों के थ्रू देखते हैं कि स्ट्रगल्स क्या हो रहे हैं. सेकेंड सीज़न में जैसे मैंने कहा कि हमने दिखाया एक सुसाइड, एक हमने इस इशू को टच किया है, तो थर्ड सीज़न में हम उसके बारे में और बात करते हैं फॉर श्योर. ये मैं आपको कह सकती हूँ कि इसके बारे में थोड़ी और बात होती है. बट इट्स नॉट जस्ट दैट, हम और भी चीज़ें, हम ज़्यादा हम पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करते हैं कोटा फैक्ट्री में, सो दैट यू नो और पॉजिटिविटी आए, और लोग जो बच्चे देखते हैं, जो ज़्यादातर हमारी ऑडियंस यू नो IIT एस्पिरेंट्स हैं, तो वी ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल, बट वी ऑल्सो डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस. मैंने देखा नहीं है अभी तक इतना, मैं इतना फॉलो नहीं करती हूँ एक्चुअली क्रिकेट, बट मेरे बाकी के कोटा में थी तो मतलब बाकी जैसे मयूर ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके थ्रू मुझे, मैं देख लेती हूँ और मुझे पता है, आई एम अप टू डेट. तो हाँ, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू. I'm very excited. This is home. This is what I know, and I'm here to cheerlead for everyone. I am a prime example of that. So, ज़रूर बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो सही है. बहुत support किया है, entertainment industry को accessible बनाया. Thank you. Thank you. My stylist has styled me, Shrija Rajgopal. This is all her. All her doing. Okay, any upcoming project? I actually do have releases, but I can't talk much about it. So I'll tell you. I'll tell you when I can talk about it. Is type of content होने वाला है? फिल्में होने वाली है. फिल्में हैं. All different genres. Very exciting. Yes, kind of, and something that I haven't done before. So, yeah, I'm very excited for everyone to watch it. Ma'am, OTT में भी काफी competition बन चुका है. पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब competition नहीं है. Isn't it fun to be able to pick content as per your taste? So it's like you have so much to pick from, and content that you consume can actually be personalized. So I think it's exciting. Thank you so much. बहुत एक्साइटेड हूँ अपने को एक्टर्स को वर्कर्स के साथ मिलने के लिए. सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट.
मैं नॉमिनेट नहीं हूँ अनफॉर्चुनेटली, पर मेरे दोस्त नॉमिनेट हुए हैं तो मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ और जस्ट इन्जॉय करूँगा सबसे मिलकर। बिल्कुल मुझे ही मिली है यार, मैं पहले मूवीज़ कर रहा था, फिर आर्या किया मैंने, उसके बाद तब कोविड हुआ हुआ था, तब एकदम OTT बूम पे आया, और अब इतनी वेब सीरीज़ बन रहे हैं तो सबके पास बहुत काम है, कास्ट क्रू सभी, सो सबके लिए बहुत अच्छा टाइम है। हाय यार, इट्स ग्रेट यार, मतलब हर बार एवरी टाइम योर वर्क इज अप्रिशिएटेड एंड यू आर इनवाइटेड टू समथिंग लाइक दिस लाइक एन OTT प्ले अवार्ड, इट्स अ बिग थिंग यार, पता लगेगा, मेरे को लग रहा है कि एक्टिंग में होगा तो लेट्स सी एक्टिंग कैटेगरी में कौन सा किस में जाते हैं, क्या होता है। सी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा मुझे लगता है कि कहानियाँ बहुत सारी कही जा रही हैं विदाउट एनी प्रेशर। हमेशा से फिल्म्स के साथ एक वो चीज़ होती थी कि आपकी फिल्म कितना कमा रही है, 100 करोड़, 200 करोड़, वो कंडीशन सडनली साइड हो गई है, उसकी वजह से अच्छी कहानियाँ आ रही हैं, और मुझे लगता है कि कहानियाँ चाहे वो OTT पर आए, फिल्म्स पर आए, थिएटर में आए, अच्छी कहानी होगी तो वो चलेगी चलेगी, बट हाँ ज़्यादा कहानियाँ कही जा पा रही हैं बिकॉज देर इज़ नो कमर्शियल प्रेशर सो टू स्पीक। यार अभी तो राइट अभी तो एस्पिरेंस आया है, आज मैं अभी अनुराग कश्यप साहब के साथ कैनेडी जो फिल्म थी उसका पहली बार हिंदुस्तान में आज प्रीमियर हुआ है मामी में, वहीं से आ रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो आई एम जस्ट एक्साइटेड, आई जस्ट वॉन्ट टू नो वॉट हिंदुस्तान थिंक्स ऑफ इट। कान फिल्म फेस्टिवल हम लोगों को फिल्म लेकर गए थे इस साल की शुरुआत में, अब हिंदुस्तान आई है अनुराग सर के साथ वो फिल्म, तो एक्साइटेड अबाउट दैट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई सवाल जवाब है या नहीं है, ये रोज मिलता है इनको। हाँ ओके जी जी, यार ऑनेस्टली आई थिंक OTT सभी एक्टर्स के लिए इट्स अ बिग ब्लेसिंग बिकॉज देयर इज सो मच टैलेंट इन इंडिया एंड नॉट एवरीबडी इज फ्रॉम अ मूवी फैमिली, सबका ऐसा नहीं कि परिवार फिल्मों में है, सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स हुआ एक्चुअली आउटसाइडर्स टू शो देयर टैलेंट, एंड OTT की वजह से सब एक्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू शोकेस देयर टैलेंट, सो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। जी जी, मैंने एक्चुअली सारा काम हिंदी में किया है, इस साल मेरा अधूरा नाम का एक सीरीज आया था अमेजोन पे, अब नेक्स्ट आ रहा है वायाकॉम के साथ, जो जियो पे आएगा तो देख लेना, एंड मैंने पर्सनली रीजनल सिनेमा नहीं किया बट आई हैव हर्ड सम ऑफ द रीजनल फिल्म्स आर अमेजिंग एक्चुअली, जो हमारे मैक्सिमम अवार्ड्स भी आते हैं इवन नेशनल अवार्ड्स एक्चुअली फॉर रीजनल सिनेमा, सो यू नो आई नो द इम्पॉर्टेंस कि सम ऑफ द मूवीज एंड शोज दैट दे मेक आर आइकॉनिक एंड आई वुड लव टू वॉच दम।
today, unfortunately, I'm not nominated, but I'm here to wish everybody all the luck. And next time, I hopefully will straight win it. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hello, hello. Sorry, yaar, daad ke rahe yaar. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑफ कोर्स एक्साइटेड नहीं होता तो यहाँ होता ही क्यों? एक आपके सामने खड़े हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म हियर फॉर एवरीबडी एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम टू बी एन एक्टर एनीबडी, अ फिल्म मेकर इन टुडेज वर्ल्ड. आई थिंक जिस तरीके के वेन्यूज ओपन कर दिए ओटीटी ने, इट्स अ बून एंड आई फील दैट इट्स ओनली गोना गो अप. मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है. थैंक यू गाइस, बाय बाय. टोपी से जो मेरे पिताजी की है, ये वो फौज में थे, ये उनकी रेजिमेंटल कैप है, तो शुरुआत वहाँ से हुई. लेकिन ये मेरा पेशाना है तो उसके साथ मैंने सोचा कि शुरुआत यहाँ से करेंगे और एंड मेरे फेवरेट हारन पैंस के साथ करेंगे. भाई हमें ज़्यादा काम मिला है, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट रियली मैटर्स फॉर अस. अच्छी कहानियाँ बताई जा रही हैं, वर्ल्ड क्लास कंटेंट निकाला जा रहा है एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस ओटीटी प्लेटफॉर्म. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक. Always excited, that is like I think a lot of my friends are going to be awarded tonight, so I'm very happy to be here and cheer them on. I think I'm presenting an award. I'm praying to God I present an award to a friend, kyunki double khushi milti hai. Thank you. Aajkal I think light colors, beiges, nudes, in sab colors ka mereko kafi craze chal raha hai. In fact I think pichle 2-3 events mein I've been sporting these kind of outfits. And I think that's the color of the season. One sec, what's the, Ishna, what's the name of the design? I'm wearing a Babita Malkani piece and I think her pieces are very nice and flowy and gorgeous, so yeah. Yeah, I'm one of them. yeah. राइट. आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर दिया ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स ने एंड बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आर ऑल्सो रियली रियली डूइंग वेरी वेरी गुड ओ टी टी एक्सक्लूसिव फिल्म एंड शोज. मैंने खुद ने एक फिल्म की थी मजामा, जिसमें द एवर ग्रीन माधुरी दीक्षित वॉज प्लेइंग माई टू बी सासूमा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी, क्योंकि नॉट जस्ट एक्टर्स, काफ़ी सारे डायरेक्टर्स, काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, टेक्नीशियंस, सबको मौका मिल रहा है टू शो देयर टैलेंट. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्पेस टू बी इन एंड आई वाज वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस फ्रॉम द बिगिनिंग. यस, वेरी एक्साइटेड. मैं आई थिंक अभी आई लेट द प्लेटफॉर्म अनाउंस इट जब वो आएगा, लेकिन वो बहुत जल्द आने वाला है एंड ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज डन समथिंग वेरी रोमांटिक एंड स्वीट. इसमें आप मेरे को एकदम डी ग्लैम्ड, एकदम ग्रंज एवेटार में देखेंगे. थैंक यू.
बहुत एक्साइटेड है. आई थिंक बहुत OTT पे आजकल बहुत अच्छा अच्छा काम हो रहा है. तो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव और ये इनको और इनकरेज करना चाहिए. आई थिंक ST इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. OTT के आने से एक बहुत अच्छी बात ये हुई है प्लेटफॉर्म्स आने से कि यू नो जो राइटर्स डायरेक्टर्स एंड जो एक्टर्स जो नोटिस नहीं होते थे अभी सब नोटिस हो रहे हैं और उनको फिल्मों में भी काम मिल रहा है. तो आई थिंक इट्स अ मार्वलस चेंज. आई थिंक इट शुड कंटिन्यू. थैंक यू. थैंक यू. See, I'm a Mumbaiite. I'm born from Mumbai. Always feel very, very happy to be back in Mumbai. And especially attending this OTT award excites me a lot because this definitely is my favorite show, OTT. All the OTTs I try to watch as much as possible whenever the time permits. So, very, very happy and very excited. हम सबको घर जाने में बड़ा मजा आता है लेकिन हम सबको डैन्यू प्रॉपर्टीज के घर में जाने में बहुत मजा आता है क्योंकि वो इतने खूबसूरत घर देते हैं सबको. थैंक यू फॉर द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज यू गिवन एवरीवन. अब बहुत बहुत कम पैसे में आप घर ले सकते हैं. थैंक यू जी. प्लीज स्ट्राइक अ पोज विद चंकी पांडे सर. किधर जी बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसे एक एप्रिसिएशन एक सराहना एक मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवार्ड ये शायद हमें लगते हैं कि अवार्ड्स हमारे अलग अलग तरीके के अवार्ड्स होते हैं लेकिन जिससे जो मिलता है अवार्ड ना तो उसे समझ में आता है कि उसने कितनी मेहनत की है उसने कितना टाइम दिया कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने आप पर और स्क्रिप्ट पर. तो ये इनफैक्ट जो राइटर्स हैं जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग ने कितना मेहनत करते हैं दिन रात. तो एक अवार्ड तो बनता है यार अगर यू नो इतनी मेहनत इतनी ज़्यादा शिद्दत से एंड विदाउट ब्रेक लगे रहते हैं ना. हमारी फील्ड भी ऐसी है तो आई थिंक एक अवार्ड तो डिज़र्व ही करते हैं. एंड इट्स ग्रेट एंड आई एम ग्लैड दैट सच काइंड ऑफ अवार्ड्स आर हैपनिंग सो दैट पीपल गेट मोटिवेटेड एंड कीप डूइंग बेटर वर्क एंड बेटर देमसेल्व्स. सो इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई फील OTT हैज़ बीन अ गेम चेंजर इन आर फ्रेटर्निटी फॉर एवरीबडी नॉट जस्ट एक्टर्स ऑल द टेक्नीशियंस राइटर डायरेक्टर्स. तो बींग एन OTT प्रोडिजी आई फील इट्स अ प्राउड मोमेंट दैट वेन यू अटेंड दिस अवार्ड्स और यू नो गिव एन अवार्ड टू समबडी हु इज डिजर्विंग. सो आई फील ओनली ग्रेटफुल एंड इन कंप्लीट ग्रेटिट्यूड टू बी पार्ट ऑफ इट. जी
जी अभी एस्पिरेंट टू तो आ गई है, पसंद कर रहे हैं, आपने देखा है कि नहीं देखा है? अच्छा लोग आप ही हो बट मुझे ये लोग अच्छे लगते हैं, थैंक यू। यस आई मीन आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव गॉट दिस रोल ऑफ संदीप भैया, यू नो एस्पिरेंट्स वन आया, बहुत रेयर होता है कि किसी कैरेक्टर पे स्पिन ऑफ बने, संदीप भैया शो बना, उसके बाद एस्पिरेंट्स टू आया, तो मुझे ऐसा लगता है दिस कैरेक्टर ऑफ संदीप भैया हैज़ बीन लाइक अ गिफ्ट टू मी, सो आई एम हैप्पी। हाँ हाँ थ्री में भी आएगा, क्यों नहीं आएगा वो लोग बनाएंगे तो हम करेंगे काम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू।